चलिए बच्चों, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सेकंड का एक एमीन चैप्टर है जो कि 4 अंक का है, उसको अपने बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं। इसी एक ही वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। आप जो है वो बढ़िया तरीके से अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके बैठ लें, इस पूरे चैप्टर को बोर्ड में कैसा प्रश्न आएगा और कैसा आंसर हमें लिखना है उसके हिसाब से ही अपने इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं, ना कि अन्य बहुत ज्यादा डिटेल में ना जा करके। तो शुरुआत करते हैं अपने एमीन की। तो एमीन होता क्या है, आप यूं जान लें कि यार जो नाइट्रोजन होती है ना, उसके साथ अगर 3 हाइड्रोजन जुड़े हों इस तरीके से, और ये दो एक लोन पेयर है, तो इसको हम क्या नाम देते होते हैं, अमोनिया, ठीक है। और इस अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटा करके R समूह जुड़ जाए, ठीक है, 2H ही रहे, तो इसको अपने कहते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक है बच्चों। अब क्या किया आपने कि इस H को हटा करके मैंने क्या कर दिया, एक और R समूह जोड़ दिया, एल्किल कार्बन श्रृंखला एक और जोड़ दी, तो मैं इसको कहता हूं 2 डिग्री एमीन। और फिर अपने क्या होता है कि नाइट्रोजन और इसके साथ तीनों हाइड्रोजन, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन हटा करके तीनों जगह अगर मैं R जोड़ दूं तो ये मेरे पास होगा बच्चों 3 डिग्री एमीन, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर दूं कि एक और R समूह जोड़ दूं इस लोन पेयर की वजह से, तो नाइट्रोजन पर आएगा प्लस और ये होगा अपने पास 4 डिग्री अमोनियम, जिसको अपने चतुष्क एल्किल अमोनियम लवण भी कह देंगे, चतुष्क एल्किल अमोनियम लवण कह देंगे, ठीक है। ये अपने बात चैप्टर की शुरुआत भी कर ली है, और क्योंकि ये 4 अंक का जो लेसन है ना वो 1+3 है, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो छोटे क्वेश्चंस के अंदर संभव है कि आप में से ऐसा पूछ ले कि 3-4 फॉर्मूले लिख दें और कहें कि इन एमीनों को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में वर्गीकृत कीजिए, बांटिए, छांटिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने समझा कि यार जो बाकी एल्कोनों वगैरह का 1 डिग्री 2 डिग्री होता है ना, वो अलग होता है, एमीन का अलग होता है। आप गौर करो, अमोनिया नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अमोनिया होती है, NH3 अमोनिया होती है। अब एच को हटाते जाओ, आर जोड़ते जाओ, एक आर तो 1 डिग्री, 2 आर जुड़ गए 2 डिग्री, 3 आर जुड़ गए 3 डिग्री, 4 आर जुड़ गए 4 डिग्री, लेकिन जब 4 आर जुड़ जाएंगे तो नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, उसको हम कहेंगे अमोनियम। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब अपने बात करते हैं बच्चों, बस एक तो वर्गीकरण से छोटी बात पूछी जा सकती है, आप पहचान लेना कि भाई नाइट्रोजन के साथ कितने एल्किल समूह डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उतने ही डिग्री एमीन होगा, ठीक है। फिर अपने बात आती है एमीन का IUPAC नामकरण। बड़ा बढ़िया तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूं, एमीन का नामकरण सिखा रहा हूं, एक ही एग्जांपल बताऊंगा। इधर गौर करें क्या हुआ कि मैंने ऐसे लिखा, अभी जो मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताया ना, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। गौर करना, मैंने एक कार्बन श्रृंखला लिखी CH3CH2CH2 और फिर लिख दिया CH2 और यहां पर जोड़ दिया NH2। फटाफट बताइए ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, ठीक है। तो आपने देखा कि यार नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हैं, एक हटा करके ये कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, इट मींस ये 1 डिग्री है। तो मैं पहले आपको 1 डिग्री का नामकरण कराना लिखना सिखाता हूं। क्या होगा कि आपके पास ये लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला में जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा, ये जो लंबी श्रृंखला है तो इसको अपने कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट कर लो, ये लो जी ये मेरे पास कार्बन श्रृंखला आ गई, सीधी और लंबी श्रृंखला। अब मैं नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से एमीन को कम से कम नंबर मिले, तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1, 2, 3 और 4, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपने पास 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूटेन, और 1 पर जो है एमीन जुड़ा हुआ है तो ब्यूटेन 1-amine, या इसको हम 1-butanamine भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम इसको क्या कह सकते हैं 1-butanamine। ब्यूटेन और एमीन की संधि करेंगे तो ये ब्यूटेनामीन हो जाएगा, लेकिन ये एमीन समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1-butanamine या फिर ब्यूटेन 1-amine, ठीक है। तो अपने पास एक बात क्लियर होगी कि 1 डिग्री का इस तरीके से प्रोपेन 2-amine भी हो सकता है, ब्यूटेन 2-amine भी हो सकता है, ब्यूटेन 1-amine भी है, ठीक है, पेंटेन 3-amine भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है 1 डिग्री का नामकरण करने का तरीका है, आपको लंबी श्रृंखला सिलेक्ट करनी है, फिर देखना है एमीन कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 पर एमीन जुड़ा हुआ तो 1-amine,
NH2 का अनुलग्न एमीन ही है। क्लियर हुई बात? अब क्या कर रहा हूं मैं, इसी को ही 2 डिग्री कर रहा हूं। पहले आप इतनी बात समझ गए, अब मैं इसी को 2 डिग्री कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने इसके एक एच को हटा करके मैंने जोड़ दिया CH3, तो अब ये 2 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? कैसे बन गया? नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं। अब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन हट गए, 1 कार्बन इधर जुड़ गया, 1 कार्बन श्रृंखला इधर जुड़ गई, तो ये 2 डिग्री एमीन हो गया। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? आपको इसका नाम लिखते वक्त क्या करना है बच्चों, अब आपके पास 2 कार्बन श्रृंखला है, एक ये वाली और एक ये लंबे वाली, ठीक है? तो इन दोनों में से जो लंबी कार्बन श्रृंखला है, जिसमें कार्बन ज्यादा है, उसको आपने मुख्य श्रृंखला बनाना है। तो ये मुख्य श्रृंखला होगी, तो ये क्या हो गया फिर, प्रतिस्थापी। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का नाम जो है आप क्या लिखते हो, मुख्य नाम, जो मेन नाम आपने बनाया है उससे पहले लिखते हो, पूर्व लग्न लगता है। और पूर्व लग्न क्या लगता है, CH3 का पूर्व लग्न लगेगा मैथिल, ठीक है? तो इसका नाम पूर्व लग्न लगेगा मैथिल, ठीक है? लेकिन वो मैथिल जुड़ा किससे हुआ है, एन से, ठीक है? तो इसके आगे आएगा एन मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल ब्यूटेन 1-amine, ये 2 डिग्री का नाम हो गया, ठीक है? या इसके अंदर मैं बात लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा एन मैथिल 1-butanamine। क्लियर हुई बात? तो ये आपने 2 डिग्री का लिखना सीख लिया, ठीक है? यहां पर कोई और समूह भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? अब क्या किया मैं, इसी को ही मैं 3 डिग्री बनाने जा रहा हूं, इसी को ही, ठीक है? क्या करूंगा, H हटाऊंगा और यहां पर एक और एल्किल समूह मैंने C2H5 जोड़ दिया, ठीक है? तो अब क्या हो गया, जब नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे तो कंसेप्ट सीखो, ठीक है? क्या कंसेप्ट है कि भैया जो सीधी सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला होगी ना, वो मुख्य श्रृंखला होगी, तो ये तो मुख्य श्रृंखला है। बाकी जो कम कार्बन वाले होंगे, इससे कम वाले जितने भी होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रतिस्थापी, ठीक है? तो एक प्रतिस्थापी ये रहा और एक प्रतिस्थापी क्या हो गया बच्चों, ये वाला हो गया, ठीक है? इसका पूर्व लग्न लगा था तो इसका भी पूर्व लग्न लगेगा। इसका मेन वाले का तो नाम 1 डिग्री के हिसाब से बनाना आता ही है अपने को, ब्यूटेन 1-amine, प्रोपेन 2-amine, ऐसा कुछ भी बनेगा वो बना लेंगे, ठीक है? लेकिन अब क्या हो गया कि प्रतिस्थापी दो, एक मेथिल था एक एथिल हो गया। C2H5 क्या होता है, एथिल। अच्छा, एथिल अल्फाबेटिकली पहले आता है मेथिल से, ठीक है? तो उसको जो है आप यहां पर लिख दोगे एन एथिल। ये लो जी, 3 डिग्री एमीन का भी नाम एक साथ ही बन गया। तो अब ये पूरा नाम इस 3 डिग्री स्ट्रक्चर का नाम हो गया एन एथिल एन मेथिल ब्यूटेन 1-amine। या यहां पर भी अगर इसको लिख देते हो आप एन एथिल, एथिल पहले क्यों लिखा, क्योंकि एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो एन एथिल एन मेथिल 1-butanamine या एन एथिल एन मेथिल ब्यूटेन 1-amine, इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के नाम बनाने सीख लिए। कोई भी पेपर में आए आप आराम से बना सकते हो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखी, उसको सिलेक्ट किया, नंबरिंग उधर से की जिधर से एमीन को कम से कम नंबर मिले, ठीक है? और नंबरिंग करके उसका नाम बना लिया। जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या है, प्रतिस्थापी। जो नाम बनाया उससे पहले जो आएगा उसका पूर्व लगन, और पूर्व लगन अगर एक है तो वो तो लग ही गया, 2 है तो जो अल्फाबेटिकली पहले उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में। अगर दोनों ही मैथिल होते तो हम इसको लिख देते NN डाइमेथिल भी लिख देते, समझ में आ गई बात? लेकिन अभी जो है वो अलग अलग है तो हमने अलग अलग नाम लिख दिया। एक IUPAC नाम मैं आपको और बना करके दूंगा, इसके बाद जो है नामकरण की बात हो जाएगी कंप्लीट। चलो बच्चों, चलिए इसके बाद देखो भाई, एक जो है मैं नाम ये वाला बना रहा हूं, इसको और देख लें। क्या हुआ कि अगर मेरे पास है जी बेंजीन, क्या है बेंजीन, ये लो ये है मेरे पास बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ गया तो इसका नाम एनिलीन होता है। IUPAC नाम बेंजीनामीन होता है, लेकिन एनिलीन ही फेमस है, आप एनिलीन ही लिख सकते हो, ठीक है? तो इसका नाम तो जो है वो आपके पास, या तो आप लिख लें क्या एनिलीन, जो कि एक सामान्य नाम है लेकिन IUPAC में भी इसको ज्यादा मान लिया गया है, या आप इसको लिख सकते हो एनिलीन, या फिर इसको लिख सकते हो आप बेंजीन प्लस एमीन। ये बेंजीन प्लस एमीन बेंजीनामीन इसको लिख सकते हो, ठीक है? अब क्या हुआ कि इसको अगर मैं 2 डिग्री करूं, ये तो 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, इसके साथ मैं एक CH3 जोड़ दूं, ये लो, तो अब क्या हो गया, ये तो बेंजीनामीन है एनिलीन है, इसके साथ मैथिल समूह और जुड़ गया, तो आप इसको लिखोगे एन मैथिल एनिलीन या फिर एन मैथिल बेंजीनामीन, ठीक है? तो ये नाम हो जाएगा। अब इसका एक और H हटा करके मैं एक और एल्किल समूह जोड़ दूं, C2H5 जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा, एन एथिल एन मेथिल बेंजीनामीन, एन
एन से एथिल जुड़ा हुआ है, एन एथिल एन मेथिल बेंजीन प्लस एमीन बेंजीनामीन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का नाम भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इन दोनों नामों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? चलो मैं इसको करता हूं साफ। अब बात करते हैं अपने इसके बनाने की विधियों की। बनाने की विधियों में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? बनाने की विधियों में पहली बात जो है वो है नाइट्रो यौगिकों से। नाइट्रो यौगिकों से जो है एमीन कैसे बनाए जाते हैं, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो क्या, देखो बिल्कुल इजी है। नाइट्रो क्या हुआ कि मैंने बेंजीन बनाया, ये लो बेंजीन, और नाइट्रो का मतलब क्या हो गया कि इससे क्या जुड़ा हुआ है, NO2। ठीक है, तो ये नाइट्रो बेंजीन है। लेकिन मुझे इसको किसमें बनाने की विधि क्या है, एमीन बनाने की विधि है ना, तो मुझे इसको एमीन में बदलना है, मतलब NO2 को NH2 में बदलना है। तो पहले मेरे को जिसमें बदलना है मैं उसको चुप करके लिख लेता हूं, मुझे NO2 को NH2 में बदलना है क्योंकि एमीन बनाने की विधि मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे ये दो O हटाने हैं, तो मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं, 2H2 लिख देता हूं। क्या होगा कि जो 2 इसके अंदर दो ऑक्सीजन है ना, तो आप इसको क्या करो, 2H2O निकल जाएगा। और क्या हो जाएगा कि जो आपके पास दो हाइड्रोजन यहां पर जोड़ने के लिए चाहिए, तो यहां पर लिख लो आप 3H2। ठीक है, चार हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को, दो ऑक्सीजन को निकालने में काम में आ गए, और दो हाइड्रोजन यहां पर N के साथ में जुड़ गए, तो एनिलीन बन गया, नाइट्रो यौगिक से एनिलीन बन गया। लेकिन ये इतने हाइड्रोजन आप लाए कहां से, ये इतने हाइड्रोजन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लेकर के आए हैं, LiAlHF4 से ये इतने हाइड्रोजन लेकर के आए हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो है Fe+HCl से भी ये ला सकते हो, SnCl2+HCl से भी लेकर के आ सकते हो। ठीक है, ये जो आप इतने हाइड्रोजन जो है Fe+HCl SnCl2+HCl से भी ला सकते हो, इसकी बजाय जो है आप यही दोनों लिखें। ठीक है, अब ये तो होगी अभिक्रिया। अब आप कहोगे यहां पर ये नाइट्रो यौगिक H2Fe+HCl लिखोगे, ये एनिलीन बन जाएगा और H2 निकल जाएगा। अब इसके अंदर ये तो अभिक्रिया होगी, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो कहता है कि नाइट्रो यौगिकों से एनिलीन एमीन बनाने में Fe+HCl जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक है, क्यों, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि Fe+HCl जो है ना, Fe+ जो HCl है वो FeCl2 बनाता है और H2 उत्पन्न करता है, यही H2 यहां पर काम में आती है। ठीक है, ये जो FeCl2 होता है ना, ये FeCl2 पुनः जल अपघटित होकर के FeOH की होल ट्वाइस और HCl बना लेता है। ठीक है, कि ये क्या करता है कि FeHCl वापस जल अपघटित होकर के HCl का उत्पादन कर देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि Fe+HCl सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक क्यों है, क्योंकि जब हम Fe+HCl लेते हैं इस अभिक्रिया के अंदर, तो हमें HCl शुरू में ही थोड़ा सा लेना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है कि जो FeHCl से अभिक्रिया करके FeCl2 बनाता है ना, वो पुनः जल अपघटित होकर के HCl का उत्पादन करता रहता है। तो जो HCl हमने थोड़ा सा शुरू में डाला, बाद में तो अपने आप उत्पादन होता रहता है, अभिक्रिया में काम में आता रहता है, इसलिए बार बार HCl लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी को इतनी बात याद होती है तो वो लिखे, नहीं याद होती तो आपको कहा गया कभी Fe+HCl सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक है, क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि Fe+HCl जो है लेने पर क्या होता है कि इसमें HCl अभिक्रिया के प्रारंभ में ही थोड़ा सा लेना होता है, बाद में FeCl2 जो है जल अपघटित होकर के HCl का पुनः उत्पादन करता रहता है, जिससे HCl को बार बार लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस आंसर में HCl हीरो है, आपको कहना है कि HCl प्रारंभ में ही लेना होता है, बार बार नहीं लेना होता, यह अभिक्रिया में पुनः उत्पादन हो इसका उत्पादन होता रहता है, इसलिए बार बार HCl लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यही आंसर है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रो यौगिकों वाली अभिक्रिया जो है ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए इसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूं और नेक्स्ट देखेंगे अपने। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न क्या था, आपके पास प्रश्न था Fe+HCl क्यों सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक है नाइट्रो यौगिकों से एमीन बनाने के लिए। तो आपने कहा कि इसके अंदर HCl जो है वो प्रारंभ में ही लेना पड़ता है, बार बार नहीं लेना पड़ता। चलिए अब इसके बाद आगे बात आपके पास नाइट्राइलों से एमीन बनाने की अभिक्रिया, नाइट्राइलों से दूसरी अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी कंसीडर कर रहा हूं मैं। देखो क्या है नाइट्राइल क्या होते हैं बच्चों, जिसके अंदर CN जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो, CN, उसको अपने नाइट्राइल कहते हैं। जैसे मैं लिखा CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N,
CN जुड़ गया, इसको हम क्या कहते हैं, ये है जी नाइट्राइल। इससे अगर आपको एमीन बनाना है, एमीन बनाना है तो एमीन बनाने के लिए पहले तो सीधा ही देख लो कैसे बनेगा एमीन। ऐसे बनेगा कि इसको दो एच दे दो, इसको दो एच दे दो तो एमीन बन जाएगा। कैसे, इधर देखो CH3CH2, इसको दो हाइड्रोजन दे दोगे तो ये भी बन जाएगा CH2, और नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन दे दोगे तो NH2, ये बन गया हमारे पास एमीन। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसका मतलब दो हाइड्रोजन यहां पर देने, दो हाइड्रोजन यहां पर देने, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है जी, चार हाइड्रोजन की जरूरत है। कहां से लाओगे, ये लाओगे आप LiAlH4 से, LiAlH4 से लाओगे, ठीक है बात। तो ये होगी भाई अभिक्रिया। लेकिन इस अभिक्रिया में मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या विशेष बात है इसके अंदर, इसके अंदर विशेष बात ये है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें कार्बन श्रृंखला ज्यादा बढ़े, आरोही श्रेणी प्राप्त हो, मतलब जिसमें क्रियाकारक में तो कार्बन कम हो और एमीन में कार्बन ज्यादा हो, तो इस अभिक्रिया का सहारा लिया जाता है। जैसे आपको कहा गया कि आप एथिल क्लोराइड से, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनामीन कैसे बनाओगे, प्रोपेनामीन कैसे बनाओगे। अब आप देखो कि सर एथिल क्लोराइड में एथ का मतलब होता है दो, इसमें तो कार्बन है दो, प्रोपेनामीन, प्रोपेन में कार्बन कितने हैं, तीन, तो कार्बन बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया का हमें सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इस अभिक्रिया में तो नाइट्राइलों से एमीन बनते हैं, हमारे पास एथिल क्लोराइड दे रखा है जो कि एक एल्किल हैलाइड है, तो फिर हम इस अभिक्रिया का उपयोग कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, क्या कर लो कि जो एल्किल हैलाइड दे रखा है ना उसको नाइट्राइल में बदल लो। एथिल क्लोराइड में बना रहा हूं, इधर देखना, मैंने एथिल क्लोराइड बनाया, मैंने लिखा CH3CH2Cl, ठीक है, इसको पहले नाइट्राइल में बदल लो। इसको नाइट्राइल में बदलने के लिए क्या करो बच्चों, इसकी अभिक्रिया करवा लो आप KCN से, तो KCl निकल जाएगा, CN जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें, फिर आप इसकी LiAlH4 से अभिक्रिया करो, बन जाएगा प्रोपेनामीन, एक दो तीन कार्बन बन गए। क्रियाकारक में कितने कार्बन थे, दो कार्बन थे, ठीक है। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, अपने को जो है पेपर को फोकस करना है, पेपर को फोकस करना है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। और इसलिए जो है आप जो बैठे हो ना, मतलब यूं बैठो कि आपको याद हो, याद हो, याद हो, ऐसे नहीं कि भाई चलो हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, कोई बात नहीं, जब पेपर होगा तब देखी जाएगी, अभी तो आप आनंद लेते हैं। नो, आनंद नहीं लेना आपको, मजे नहीं लेने, अब मजे नहीं लेने, अब क्या करना है, रट्टा ही मारना है, ठीक है। नाइट्राइलों वाली अभिक्रिया कब काम में लोगे, जब पेपर में प्रश्न आ जाए कि भैया एक कार्बन बढ़ा करके एमीन कैसे बनाओगे, तो एक कार्बन बढ़ा करके जो है आपको एल्किल हैलाइड वाला ही देगा, पक्का हैलाइड ही देगा। आपको क्या करना है, इस हैलाइड को हटा करके KCN से अभिक्रिया करके इसको हटा करके CN जोड़ना है, CN की LiAlH4 की उपस्थिति में इसका इससे हाइड्रोजन जोड़ना है, एमीन बना लेना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसका एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रखा है कि 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन से आप हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कैसे बनाओगे, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब चार कार्बन, एक दो तीन और चार, ये 1,4 डाइक्लोरो, ये ब्यूटेन होगी। इस ब्यूटेन के अंदर 1 पर क्लोरो और 4 पर क्लोरो, तो 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन से ये कह रहा है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कैसे बनाओगे। हेक्सामेथिलीन मतलब CH2 कितनी बार आना चाहिए, 6 बार, तो हेक्सामेथिलीन हो गया क्योंकि CH2 समूह को मेथिलीन कहते हैं। डाइएमीन का मतलब इधर भी NH2 हो और इधर भी NH2 हो, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये कह रहा है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन से हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 4, इसमें कार्बन कितने हैं, 6, दोनों तरफ एक एक कार्बन बढ़ रहा है, और कार्बन कब बढ़ता है, जब नाइट्राइल हो, लेकिन हमारे पास तो दोनों तरफ क्लोराइड है, तो आप क्या करो इसको नाइट्राइल में बदल लो। ये लो जी आप करवाओगे किससे अभिक्रिया, 2KCN से, किससे अभिक्रिया करवाओगे, 2KCN से, तो आपके पास इस CH2 को, इस CH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH2 जो है वो कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, मैंने 4 लिख दिया। अब इधर भी क्या जुड़ गया इसके साथ में, CN जुड़ गया, इधर भी क्या जुड़ गया, CN जुड़ गया, ठीक है। इसको भी एमीन में बदलना है, इसको भी एमीन में बदलना है, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ने हैं, और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हम किसकी उपस्थिति लेते हैं, LiAlH4 की। कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 4 इधर 4 इधर, 4 8 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। चाहे तो आप इसको सीधा ऐसे 4
8H2 या 4H2 लिख दो, तो जो है 4 8H या फिर 4H2 लिख दो, तो इस प्रकार से जो है ये किसमें बदल जाएगा, हेक्सामेथिलीन डायमीन में बदल जाएगा। क्या सीखा कि दोनों तरफ क्लोराइड को CN में बदलना पड़ेगा और फिर CN वाले की LiAlH4 की उपस्थिति में विक्रिया कराओगे तो एमीन बन जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से ये भी भाई इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्लियर? अब आ जाओ आप नेक्स्ट देखो, फिर अपने पास क्या इंपॉर्टेंट बात है, अपने को चैप्टर पूरा करना है भाई, पूरा, ठीक है। और इसलिए जो है आप बैठे रहें, लगातार बने रहें। अब मैं जो अभिक्रिया करवाने वाला हूं, आप देख लेना कि इन चार अंकों में एक अंक इसका फिक्स है, एक अंक इसका फिक्स है। अभिक्रिया का नाम क्या है? अभिक्रिया का नाम है भाई, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है। क्या? गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं इस अभिक्रिया को तब आगे बढ़ाऊंगा जब फटाफट पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखे जा रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और दूसरों को शेयर भी कर दो यार। क्यों शेयर कर दो? क्योंकि अगर ज्यादा जिन्हें देखोगे ना तो मैं और सारे चैप्टर्स की बना दूंगा, है ना, काफी चार चैप्टर्स की बना दूंगा, ताकि जो है आपकी तैयारी करना मतलब आपको आसान हो जाएगा। चलिए गौर करो, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन चार अंकों में इसका एक अंक फिक्स है, आएगा ही आएगा। देखो क्या क्या कि आपको पहले गैब्रियल थैलीमाइड में पहले थैलीमाइड लेना है। थैलीमाइड कैसा होता है? थैली जैसा होता है। आपने लिया बेंजीन, ये लो बेंजीन, और इसके आप लगा दो थैली, लगा दो। कैसे लगाओगे? कि आपने लगाया सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर भी सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच, इसका नाम होता है थैलीमाइड। थैलीमाइड बोलो, ठीक है, ये आपके पास है थैलीमाइड। क्लियर? अब इससे आपको एमीन बनाना है, ये गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको अभिक्रिया करवानी पड़ेगी के एक्स की। किससे? के एक्स की। के एक्स क्या करेगा? एच और एक्स निकल जाएगा और के यहां पर जुड़ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास ये लो, ये बन जाएगा बेंजीन और सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एन, और इसके साथ कौन जुड़ गया? के जुड़ गया, एच हट गया और क्या जुड़ गया? के जुड़ गया, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया करवाओ आप आर एक्स के साथ में। किससे अभिक्रिया करवाओ? आर एक्स के साथ में। आर एक्स के साथ करवाओगे तो ये के और एक्स माइनस हो जाएगा, के एक्स तो इससे निकल जाएगा और अब के की जगह कौन जुड़ जाएगा? इससे आर जुड़ जाएगा। क्लियर? तो अब अपने पास क्या बन गया? ये लो, ये बन गया बेंजीन और ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एन, और इसके साथ कौन जुड़ गया? आर। एक्स हटके हट गया एक्स के साथ में और ये वाला आर यहां पर जुड़ गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इसकी अभिक्रिया जो है ना वो आपको दो एन ए ओ एच से करवानी है, एन ए ओ एच और एन ए ओ एच से। आपने एमीन बनाना है ना, एमीन बनाना है तो आर एन और यहां से दो एच ले लो, क्या बन जाएगा? आर एन एच टू। ये हमारा मुख्य उत्पाद है, एमीन बनाना था, ये लो जी एमीन बन गया, ये मुख्य उत्पाद है। और क्या बना साथ में? और ये बना है कि अब देखो क्या बच गया, ये बच गया अपने पास बेंजीन और सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। देखो इधर से क्या बच गया? ओ एन ए, तो यहां पर जोड़ दो ओ एन ए। यहां से क्या बच गया? ओ एन ए, ये लो यहां से जोड़ दिया ओ एन ए, ठीक है। इसको हम सोडियम थैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम थैलेट। लेकिन बच्चों क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे जो ये अभिक्रिया पूरी याद कर लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये बनाते ही नहीं, जबकि हमारी अभिक्रिया तो एमीन बनाने की है ना, तो इसलिए आर एन एच टू बनाना जरूरी है। क्लियर? तो आप गौर करो इस अभिक्रिया को, क्या? गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। थैलीमाइड में आपको थैलीमाइड लेनी, थैलीमाइड कैसी होगी? बेंजीन और उसके साथ थैली बनेगी, मतलब इसका हैंडल बनेगा कैसे? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। पहले के एच से अभिक्रिया करवानी है, एच जो है वो एक्स के साथ में माइनस एच, एक्स निकल जाएगा और के यहां पर जुड़ जाएगा। फिर के को हटा करके आर जोड़ना है, तो आर जोड़ने के लिए आर एक्स से अभिक्रिया करवा लेंगे और के हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास? ये आर जुड़ जाएगा और फिर इसकी एन ए एच एन ए एच से अभिक्रिया करवा दोगे तो इससे दो एच लेकर के आर एन और ये दो एच आर एन एच टू बन जाएगा और ओ एन ए यहां पर जुड़ जाएगा, सोडियम थैलेट बन जाएगा।
ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये है भाई गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ये भी हो गई है कंप्लीट, क्लियर। इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट, साफ कर दो इसको। चलिए इसके बाद आप स्क्रीनशॉट तो इसका लेना चाहें तो लेते रहें, लेकिन जो है बात यह है कि आपको इसको याद ही करना है क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। अब एक और नाम वाली अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम वाली अभिक्रिया बता रहा हूं। चलिए वो क्या है, अभिक्रिया का नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसके कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखो आपको कहा गया ब्रोमेमाइड, तो एमाइड दिखाई दे रहा है नाम में, समझ में आ रहा है एमाइड, तो इसका मतलब है हाफ मैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में आपको क्रिया कारक जो है वो एमाइड लेना पड़ेगा। और एमाइड क्या होता है, एमाइड होता है कि जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ के एक साथ NH2 और इधर कार्बन संख्या हो तो हम उसको एमाइड कहते होते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिया एमाइड। अब ब्रोमा बोल रहा है तो आप एक लो ब्रोमीन Br2 भी ले लिया, ठीक है। और साथ में आपको लेना है, ये अभिक्रिया होगी क्षारीय माध्यम में तो आपको लेना पड़ेगा NaOH, ठीक है। तो आप यहां पर 4NH NaOH लोगे। अभिक्रिया में क्या बोल रहा है, निम्नीकरण, निम्नीकरण पहली बात तो आप बताओ क्या पढ़ रहे हो, आप एमीन बनाने की विधियां पढ़ रहे हो, ठीक है। और ब्रोमेमाइड बोला तो एमाइड और ब्रोमीन ले लिया, अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही थी क्षार ले लिया। अब वो बोल रहा है निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब क्या हो गया, कार्बन घटेगा, निम्नीकरण का मतलब कार्बन घटेंगे। कैसे घटेंगे कि ये जो है ना ये यहां से इसको हटा दो, ये लो ये लो, ठीक है, ये पार्ट हटा दो, सीधा NH2 जोड़ दो, तो ये आपके पास उत्पाद हो गया जी, ये लो CH3 CH2 और NH2, ये आपने एमीन बनाना था, ये आपका एमीन बन गया, ठीक है। जो बचा उसको हटा दो, क्या बना, दो Br थे, दो Na के साथ में 2NaBr निकल जाएगा, और प्लस में और देख लो और क्या निकलेगा कि 2H2O निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये जो दो ओ बच गए, एन ए दो बच गए और एक सीओ बच गया, तो एक बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा, लेकिन मुख्य बात क्या है कि ये जो है एमाइड था और एमाइड का निम्नीकरण हुआ, मतलब ये कार्बन कम हुआ और एमीन यहां पर जुड़ गया और एमीन बन गया। एमाइड में 1 2 3 कार्बन थे, एमीन में 1 और 2 2 ही कार्बन है, तो इसीलिए ये निम्नीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो एक बात तो ये कि ये हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया जो है इस बात से ही आएगी कि आपको कहा जाएगा कि भाई इस अभिक्रिया को लिखो, नाम दे देगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये दे देगा कि हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से अगर प्रोपेनामीन बनाना है, प्रोपेनामीन बनाना है तो आप कौन सा एमाइड काम में लोगे, ठीक है। तो प्रोपेनामीन आपको ये कहा, प्रोपेनामीन मतलब 1 2 3 और NH2, ये एमीन बनाना है तो एमाइड कौन सा काम में लोगे, तो एमाइड में तो एमीन से इससे ज्यादा एक कार्बन होता है ना, क्योंकि कार्बन एक घट जाता है, तो आपको यहां पर C डबल बॉन्ड O और डाल देना है इसके अंदर CH3 CH2 CH2 और NH2, इन दोनों के बीच में एक C डबल बॉन्ड O डाल देना है, ब्यूटेनामाइड आपको लेना पड़ेगा प्रोपेनामीन बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आप पेंटेनामाइड लोगे तो एमीन कौन सा बनेगा, एमीन एक कार्बन कम वाला बनेगा, पेंटेनामाइड एमाइड 5 कार्बन वाला है तो एमीन 4 कार्बन वाला बनेगा, ब्यूटेनामीन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपसे एमीन पूछे, एमीन दे दे और ब्यूटेना एमाइड पूछ ले कि कौन सा लिया जाएगा, तो एमीन की तुलना में एमाइड में एक कार्बन ज्यादा होगा, और एमाइड दे दे और एमीन पूछ ले तो एमीन के अंदर एक कार्बन कम होगा, ठीक है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको जो है अगर एनिलीन बनाना है तो एमाइड कौन सा काम में लोगे, ठीक है। हाफ मैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में एनिलीन बनाना है तो कौन सा एमाइड काम में लोगे, तो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है जी बेंजीन और उसके ऊपर होता है NH2, तो एमाइड कौन सा लोगे, एमाइड हम लेंगे बेंजीन और यहां पर बस इसके अंदर C डबल बॉन्ड O और NH2, मतलब ये जो है एमाइड C डबल बॉन्ड O समूह और इन दोनों के बीच में डालना पड़ेगा, ये जो है बेंजीनामाइड जो है ये एमाइड काम में लेंगे तब एनिलीन बनेगा, अरे हाँ या ना, इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात भी हुई कंप्लीट, साफ कर दो इसको। तो बनाने की विधियां आपकी हो गई भाई सारी
कंप्लीट। ठीक है, अब आप आ जाओ क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहली इंपॉर्टेंट बात और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने जा रहा हूं इस लेसन के, जो ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे आएंगे वो करवाने जा रहा हूं, वो है एमिनो की क्षारीय सामर्थ्य का क्रम। एमिनो की क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, ठीक है। तो आपके पास आता है एमिनो की, पहले भौतिक गुण कराए, भौतिक गुण में देख लो क्वथनांक की बात करते हैं पहले। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, भौतिक गुण, भौतिक गुण में इसके मेन क्वेश्चन जो है वो किसका है, क्वथनांक का है। ठीक है, क्वथनांक का क्या क्वेश्चन है, क्वथनांक का ये है कि आप ये देख लेना कि जो वन डिग्री एमीन होता है, वन डिग्री एमीन इस प्रकार से है आपके पास कि नाइट्रोजन और इसके साथ है यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर आर है, एक आर जुड़ा हो, दो हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ये वन डिग्री एमीन होता है। ठीक है, और अगर टू डिग्री एमीन है तो यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, यहां पर एच, और थ्री डिग्री एमीन है तो तीनों तरफ आर आर और आर। ठीक है, जहां जहां हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन बंध बन सकता है, तो वन डिग्री एमीन में यहां पर भी हाइड्रोजन बंध बन सकता है, यहां पर भी हाइड्रोजन बंध बन सकता है, वन टू डिग्री में यहां पर हाइड्रोजन बंध बन सकता है और थ्री डिग्री में हाइड्रोजन बंध बन ही नहीं सकता। तो अगर इन तीनों का अणु भार समान है तो वन डिग्री एमीन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना है। ठीक है, लेकिन टू डिग्री में एक हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना है इसलिए इसका क्वथनांक कम होगा और थ्री डिग्री का क्वथनांक सबसे कम होगा, लेकिन शर्त यह है कि तीनों का अणु भार जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ लें कि क्वथनांक का क्या क्रम हो गया, सबसे ज्यादा वन डिग्री, फिर टू डिग्री, फिर थ्री डिग्री, ये क्वथनांक का क्रम होगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, क्यों, क्योंकि वन डिग्री में हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, एक प्रश्न क्वथनांकों के अंदर और पूछा जाता है वो क्या है कि जो एमीन होते हैं ना, एमीन जो है एल्कोलों की तुलना में, एल्कोलों की तुलना में जल में कम विलय होते हैं, जल में कम विलय होते हैं, मतलब जल में कम घुलते हैं, क्यों। तो आप कहेंगे कि एल्कोल क्या होता है, आर ओ एच, और एमीन क्या होता है, आर एन एच टू, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की एल्कोल में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बंध जो है वो प्रबल बनते हैं, इसलिए एल्कोल जल की एमीन की तुलना में जल में ज्यादा विलय होता है। तो एमीन की तुलना में एल्कोल जो है वो ज्यादा विलय क्यों होते हैं जल में, क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि एल्कोल में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए ये जो है हाइड्रोजन बंध प्रबल बनाएगा और इसलिए ये जल में ज्यादा विलय होता है। ठीक है, तो ये हो गए भौतिक गुणों से प्रश्न। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा रासायनिक गुणों की। सीधी बात बता रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिससे प्रश्न आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिससे प्रश्न आएगा ही आएगा। वो क्या प्रश्न है भाई, एमिनो की क्षारीय सामर्थ्य, एमिनो की क्षारीय सामर्थ्य, ये देखो एमिनो की क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, तो एमिनो की क्षारीय सामर्थ्य में सीधी सी बात कर रहा हूं, इधर ध्यान दे रहे, बिल्कुल गौर कर रहे आराम से, क्या बच्चों जब भी क्षारीय सामर्थ्य करोगे ना तो सबसे ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य होगी एल्किल एमीन की, मतलब एमीन की, जिसको अपने एमीन कह रहे हैं, कार्बन श्रृंखला जिससे जुड़ी हुई है उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी अमोनिया की और उसके बाद होगी एनिलीन की। ये क्रम आप याद रख रहे हैं, ठीक है, कैसे, एल्किल एमीन मतलब ये अमोनिया की क्षारीय सामर्थ्य, फिर जो है किसकी होगी, एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य होगी। अगर आपको कहा गया कि भाई चलो मैं एक बार इसको पूरा समझा देता हूं, एल्किल एमीन जो है वो क्या हो सकता है हमारे पास, एल्किल एमीन जो है वो हमारे पास तीन तरीके के हो सकते हैं, क्या, वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री। ठीक है, तो यहां पर एल्किल एमीन मैं बना रहा हूं, जैसे मैंने लिखा CH3NH2, ये मेरे पास हो गया वन डिग्री एमीन, वन डिग्री एमीन। अगर मैंने यहां पर लिख दिया CH3 की होल ट्वाइस NH, ये हो गया टू डिग्री, मतलब इसके साथ में दो CH3 जुड़ गए, और एक मैं बना रहा हूं थ्री डिग्री, मैं लिखा CH3 की होल थ्राइस और N, ये है थ्री डिग्री। ठीक है, और
या फिर आपके पास होगा C2H5 और NH2, ये हो गया 1 डिग्री। और अगर मैंने लिख दिया C2H5 की होल ट्वाइस NH, ये हो गया 2 डिग्री। और एक मैंने लिख दिया C2H5 की होल थ्राइस और N, ये हमारे पास हो गया 3 डिग्री में। अमोनिया क्या है? NH3 है। एनिलीन क्या है? बेंजीन के ऊपर NH2 है, बेंजीन के ऊपर NH2 है, ठीक है। अब इनको आपको ये तीनों दे दिए और कहा कि इनको क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि जो एल्किल एमीन है इनकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, फिर एमीन अमोनिया की है और फिर एनिलीन की है, ये क्रम है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों की आपस में तुलना करनी पड़ेगी, इन तीनों में ज्यादा क्षारीय कौन है। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक क्या मजेदार ट्रिक है, गौर करना। आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत सारे पेजेस पढ़ोगे तब जाकर के आपको कहानी समझ में आएगी, लेकिन मैं जो है अभी एक छोटे से बात के अंदर ही इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं। क्या करना है, आपके पास अंक है 1, 2 और 3, आप जो है 2 अंक को आगे ले आओ, 2 को आगे ले आओ, मैंने लिया है 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कितने बच गए, 1 और 3 बच गया, तो अब आप क्या करो, यहां पर 1 लगा लो, यहां पर 3 लगा लो। तो इनके जो क्षारीय सामर्थ्य का क्रम होगा ना, वो ये होगा कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 1 डिग्री उससे कम होगा, 3 डिग्री उससे कम होगा, फिर अमोनिया होगी और फिर एनिलीन होगी। ये इसका आंसर बनेगा पहले वाले का, NH2, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी आपको 2 अंक पहले ले आना है, बाकी क्या बच गया, 1 और 3। तो इस पर आपको 231 बनाना है, 231 पहले 3 फिर 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, 3 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। इसका मतलब क्या है, ये क्या ट्रिक कैसे हुई, कैसे समझ में आएगा, देखो आपने, मैंने कहा कि 3 अंक है, क्या आपके पास 3 अंक है, 1, 2, 3। अगर आप 2 आगे ले आए तो बचा 1 और 3, ठीक है। अगर 1, 3 लगा देते हो तो 213 बनता है, 3, 1 लगा देते हो तो 231 बनता है, ठीक है। 213 छोटी राशि है, तो आपके पास यहां पे एल्किल समूह में छोटा समूह भी तो मेथिल है, एक कार्बन वाला है, तो छोटा समूह तो छोटी राशि 213, एथिल समूह C2H5 बड़ा समूह हो गया, बड़ा समूह हो गया तो राशि भी बड़ी होगी, कितनी 231। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, क्या ट्रिक हुई, मजेदार बात है, गौर कर लो क्या, कि भाई अगर कार्बन कम है तो राशि भी कम है 213, कार्बन 2 हो गए, एथिल समूह हो गया तो राशि भी बड़ी होगी 231, ठीक है। तो इन दोनों में 213 और 231, 213 कब लगेगा, जब मैथिल समूह होगा, 231 कब लगेगा, जब एथिल समूह होगा, ठीक है। तो अब इनको क्षारीय सामर्थ्य के घटते क्रम में अगर आपको बढ़ाना है तो बस इसके बाद अमोनिया आ जाएगी, इसके बाद एनिलीन आ जाएगी, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा प्रश्न जो है, सिंपल सा प्रश्न आपको एक बुक के अंदर दे रखा है, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास शायद, कि एक सेकंड के अंदर मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर बता देता हूं और वो क्वेश्चन करवा भी देता हूं। क्वेश्चन दे रखा है आपका, कोई भी उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। उदाहरण नंबर 13.4 दे रखा है, उदाहरण नंबर 13.4 देखा है, क्या देखा है, कहता है कि निम्न को क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखो। एक तो है C6H5NH2, एक दे रखा है आपके पास C2H5NH2, एक दे रखा है NH3, और एक दे रखा है C2H5 की होल ट्वाइस NH, और कहा कि इनको क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखो। उदाहरण नंबर 13.4 ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, क्योंकि मैंने यहां पर जो है ना कोई भी विशेष जो चेंजेस है वो नहीं किए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने प्रश्न दे रखे हैं वो इन बात से सारी, ये जो मैंने एक बात बताई ना, एक बात से सारे हल हो जाएंगे। क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, इनमें से ये तो है C6H5 मतलब बेंजीन आ गई, ये तो एनिलीन है, इसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम होगी, ठीक है। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं C6H5NH2, ये लो, ये बात खत्म। अब इससे ज्यादा किसकी होती है, अमोनिया की, सबसे कम एनिलीन की, फिर अमोनिया की, अमोनिया कहां है, NH3 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास एल्किल एमीन की क्षारीय सामर्थ्य होती है, ये भी एल्किल एमीन है, ये भी एल्किल एमीन है, ये C2H5 की ट्वाइस है मतलब 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। 2 डिग्री और 1 डिग्री, मैं 231 क्रमांक है, 2 सबसे आगे, तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा है, 1 की सबसे कम है, तो इसका मतलब है कि इसको जो है आप C2H5NH2 को पहले लिखोगे और फिर C2H5 की होल ट्वाइस NH को सबसे बाद में लिखोगे, ठीक है। तो सबसे कम क्षारीय सामर्थ्य, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ये हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आई बात,
एक बात और देखना कि कई बार आपको पी के बी का क्रम पूछ लेता है, बढ़ता क्रम, तो ये क्षारीय सामर्थ्य का उल्टा होता है, ठीक है। तो आप अगर मान लो पी के बी जिसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी उसका पी के बी सबसे कम होगा, उल्टा होगा। आप क्षारीय सामर्थ्य पहले बढ़ा लेना बढ़ता क्रम और फिर क्या करते हैं उसको उलट देना, तो पी के बी का बढ़ता क्रम हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको बना सकते हो। और भी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो सारे के सारे क्वेश्चन ही इस बात से बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं। चलिए आ जाओ आप आगे। नेक्स्ट एक चीज और देख लो, क्या कि अगर क्षारीय सामर्थ्य में थोड़ी बात बदलेगी और क्या क्या बदल सकती है। एक तो ये बात बदल सकती है कि भाई एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य वैसे तो कम है, बात ठीक है, लेकिन अगर इस एनिलीन के साथ में, जैसे ये मेरे पास बेंजीन है और इस पर NH2 जुड़ गया, ठीक है, अगर यहां पर बेंजीन और यहां पर NH2 और इसके ऑर्थो पैरास्थिति पर अगर जुड़ गया OCH3 और या जुड़ गया बेंजीन और NH2 यहां पर जुड़ गया NO2, ठीक है, तो ये जो है OCH3 या फिर CH3 अकेला जुड़े, ये होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह और ये होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है। ये इसकी क्षारीय सामर्थ्य को, क्षारीय सामर्थ्य को मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ये जो है वो क्षारीय सामर्थ्य बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटाता है। तो अगर इन तीनों के क्षारीय सामर्थ्य का क्रम पूछ ले तो ये NO2 जुड़ा तो आप समझ लेना कि क्षारीय सामर्थ्य को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम, ये बीच की, ये सबसे ज्यादा, ये क्या करता है, दाता समूह जो होता है वो क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाता है, इसलिए इसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी और ये बीच में आएगा, ठीक है। तो बढ़ता क्रम आएगा एक दो और ये तीन, समझ में आएगी कि नहीं आई बात। तो इसकी जगह ओ सी एस थ्री की जगह अकेला सी एस थ्री जुड़ा हुआ हो तो भी वो क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा, क्लियर। तो ये भी आपका बढ़ता घटता क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। चलिए एक चीज मैं छोटी सी और डाल देता हूं कि अगर इसी के अंदर ही ये चीज और डाल दे कि ये बेंजीन और यहां पर सी एच टू और फिर एनएच टू डाल दे तो ध्यान रखना कि इसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये देखो ये कार्बन के साथ एनएच टू जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया है हमारे पास, ये एक जो है वो एल्किल एमीन बन गया है, एरिड एमीन नहीं है। एरिड एमीन तब होता है जब बेंजीन जो है डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ, लेकिन अब ये एल्किल एमीन बन गया, तो इन सारों से क्षारीय सामर्थ्य इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, बीच में अगर सी एच टू आ गया तो, क्लियर। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई ये भी बात हो गई कंप्लीट, और इसके बाद देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे बुक के अंदर दे रखे हैं, सारे कर डालो आपको दो मिनट लगेंगे, दो मिनट पांच मिनट जो है हर क्वेश्चन के अंदर दो मिनट लगेंगे, टोटल क्वेश्चन करने में आपको 10-15 मिनट लगेंगे, आप जो है फटाफट करेंगे तो आपको जो है ये क्वेश्चन करने का तरीका आ जाएगा। चलिए अब अपने बात क्या कर रहे हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में ये लो जी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखी हुई है, या हम इसको कार्बिल एमीन परीक्षण भी कहते हैं। आपके पास पेपर में प्रश्न आएगा वो एक प्लस तीन का है ना, तो उसके अंदर एक प्रश्न आएगा कार्बिल एमीन परीक्षण पर शॉर्ट नोट लिखिए, आप 1 डिग्री एमीन की पहचान कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन लिखें, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 डिग्री एमीन की पहचान करने का ये परीक्षण होता है भाई, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे 1 डिग्री एमीन है जी आर एन एच टू, इसकी अभिक्रिया आपने किससे करवानी है, क्लोरोफॉर्म से सी एच सी एल थ्री से, किसकी उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम में, तो 3KOH ले लो, क्या होगा आप एक बात जान लो बस, ये वाला सी एन के साथ में आ जाएगा, सी जो है वो एन के साथ में आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा आर एन और सी बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, या हम इसी को क्या कहते हैं कार्बिल एमीन भी कहते हैं, कार्बिल एमीन भी कहते हैं। बनाया क्या, 1 डिग्री एमीन में क्या मिलाया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म और कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम, 3Cl3K के साथ में 3KCl निकल जाएंगे,
ठीक है, और बचा क्या कि यहां से एक एच मतलब तीन एच और एक ये एच, कितना एच हो गए, चार एच, चार एच और दो ये, छह एच हो गए, छह एच और ऑक्सीजन कितने हैं तीन, तो ये बन जाएगा अपने पास 3H2O, ये लो जल निकल जाएगा और एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, कार्बिन एमीन बन जाएगा। ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड है ना, इसकी गंध जो है वो सड़े चूहे जैसी होती है, कैसी होती है, सड़े चूहे जैसी इसकी गंध होती है। इससे हम 1 डिग्री एमीन की पहचान कर सकते हैं। कैसा करा कि आपको एक एमीन दिया गया टेस्ट ट्यूब में कि पहचान करो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री है या नहीं है, ये पहचान की 1 डिग्री के पहचान के विज्ञा है, तो 1 डिग्री है या नहीं, तो आप इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डालोगे, इसके अंदर KOH डालोगे, ठीक है, अगर उसमें सड़े चूहे गंदी स्मेल आने लग जाए तो इसका मतलब 1 डिग्री एमीन है, अगर नहीं आए तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 डिग्री एमीन की पहचान कर सकते हैं। होगी क्या अभिक्रिया, बनेगा क्या आर एन सी बनेगा, ठीक है, एमीन जो है वो एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन में बदल जाएगा, इसकी सड़े चूहे जैसी गंध होती है। मिलाया क्या क्या याद करो, पेपर में करना है अपने को, क्लोरोफॉर्म और KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लो कार्बिल एमीन परीक्षण भी हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद एक और अभिक्रिया है, मैं साफ कर रहा हूं इसको, इसके बाद एक और अभिक्रिया है, इधर ध्यान दे लो, एक लास्ट और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, कि ये तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो 1 डिग्री एमीन की पहचान की अभिक्रिया है, अगर 1, 2, 3 तीनों की पहचान करनी हो तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 तीनों की पहचान करनी हो तो क्या हम क्या करेंगे, तो भाई इसके लिए आपके पास है कि एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, फटाफट देख लो, लास्ट अभिक्रिया है, बस देखो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसका वेरी इंपॉर्टेंट नाम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं इसको, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या काम आता है, पहले इसका सूत्र देख लो, हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला याद करो, इधर देखो एरिल कहा, एरिल का मतलब होता है बेंजीन, एरिल मतलब एरोमेटिक समूह, एरोमेटिक समूह होता है बेंजीन, सल्फोनिल, सल्फोनिल होता है एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, क्लोराइड ये लो सीएल, तो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये है इसका फॉर्मूला, और इसी को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। छोटा प्रश्न तो पहले यही हो गया कि आपको कहा जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला लिखो, सूत्र लिखो, तो आप बेंजीन एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, एक बार डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो गलत हो जाएगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ फिर सीएल, तो ये एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है। क्या काम में आता है, ये काम में आता है जी, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित कर सकता है, उनको पहचान सकता है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं कैसे पहचानता है, गौर करो कि अगर आप एरिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया, ये लो ये एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और सीएल, इसकी अभिक्रिया अगर 1 डिग्री एमीन से करवाते हो, 1 डिग्री एमीन यही है, ठीक है, आर एन एच एच ये 1 डिग्री एमीन है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किसी क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं, और क्या होता है कि यहां से H, ये H और Cl, HCl निकल जाता है और ये सल्फोनिल ग्रुप जो है इससे जुड़ जाता है, ये देखो बेंजीन और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये H निकल गया तो ये क्या बच गया, NH और R, ये समूह बच गया, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ये सल्फोनामाइड है, ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH जो है ना ये सल्फोनामाइड है, ठीक है। तो अगर बेंजीन जुड़ गया तो ये बेंजीन सल्फोनामाइड है, इतने का नाम बेंजीन सल्फोनामाइड है, इससे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो ये बन गया हमारे पास N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। इसका जो है वो क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, इस अवक्षेप में अगर NaOH मिला दो, क्षार मिला दो, तो ये जो अवक्षेप होता है यहां पे क्षार मिलाओ, तो ये जो अवक्षेप बनता है ना, ये अवक्षेप क्या होता है बच्चों, कि यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो होता है ना इसको हम अम्लीय हाइड्रोजन कहते हैं, कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन, क्योंकि ये H प्लस के रूप में निकलता है, अम्लीय हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है इसलिए ये NaOH में ये जो अवक्षेप होता है ये घुल जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पहचान होती है कि एमीन कौन सा है, 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। अभी मैं दूसरी बात करता हूं, देखो एक बार दूसरी बात करता हूं फिर आपको बात सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। आपके पास एक और बेंजीन है, ये लो बेंजीन, ये सल्फोनिल और ये हो गया क्लोराइड, हिंसबर्ग अभिक्रमक लिख दिया मैंने इसकी अभिक्रिया 2 डिग्री एमीन से करवाई, 2 डिग्री एमीन क्या है, एन एच और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आर आर,
ये 2 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। अभिक्रिया करवाई, वही एच और सीएल, एचसीएल निकल गया, एचसीएल निकल गया, ये वाला देखो ये एचसीएल निकल गया, ठीक है। अब बन क्या गया, ये हमारे पास बन गया बेंजीन और एस डबल बॉन्ड ओ एन, यहां पर भी आर और यहां पर भी आर, ये जो बना आपको पता है ये आर आर को हटाकर ये क्या है, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ये तो आपके पास बना जी बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। और इससे साथ दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो मैंने इसको लिख दिया एन एन डाई एल्किल, एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। और इसका भी क्या प्राप्त हुआ, अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब इस अवक्षेप में मैंने एन ए ओ एच मिलाया तो ये अविलय रहता है, ये घुलता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री एमीन की बात होगी। अब मैं 3 डिग्री एमीन लिखता हूं, 3 डिग्री एमीन जो है ये मेरे पास से बेंजीन और हिंसबर्ग अभिक्रमक का यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं 3 डिग्री एमीन लिख रहा हूं, एन आर आर और आर, अरे यहां पर एचसीएल निकला, एचसीएल निकला, अब यहां पर तो एच है ही नहीं एचसीएल निकलने के लिए, इसका मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगी और अवक्षेप नहीं बनेगा। होगी पहचान 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की, कैसे, इधर गौर करो कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब ली, गौर करो टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर 1 डिग्री एमीन था, आपने हिंसबर्ग अभिकर्मक डाला तो अवक्षेप बनेगा, और अवक्षेप बनने के अंदर उसके अंदर एनएच डालोगे तो वो अवक्षेप घुल जाएगा, तो इसका मतलब एमीन कौन सा है, 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आपके पास एमीन था, आपने उसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक मिलाया, अवक्षेप बन गया, लेकिन उस अवक्षेप में एनएच डाला तो वो घुला नहीं, तो इसका मतलब 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एमीन था, आपने हिंसबर्ग डाला, अभिकर्मक डाला और कोई अवक्षेप ही नहीं बना, तो इसका मतलब 3 डिग्री एमीन है, क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पहचान कर सकते हो, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया है। 3 नंबर का बड़ा प्रश्न जो आएगा उसके अंदर यह बात बन सकती है, ठीक है। क्या करना है, आपने जो है वो सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिक्रमक की अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से करवाओगे, एचसीएल निकाल दोगे, बाकी समूह जोड़ करके उसमें एनएच डालोगे तो ये जो अवक्षेप घुल जाएगा तो 1 डिग्री। फिर आपके पास यहाँ पे एचसीएल डालोगे, 2 R समूह जुड़े हुए हैं, एच है नहीं तो ये जो अवक्षेप बनेगा ये विलय घुलेगा नहीं, तो 2 डिग्री एमीन। और तीसरे में एच ही नहीं है एमीन के अंदर तो अवक्षेप ही नहीं बनेगा, मतलब 3 डिग्री एमीन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इस प्रकार से जो है वो आपके पास ये एमीन की सारी बातें हो गई हैं कंप्लीट, एमीन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक डाइजोनियम 11 टॉपिक है, वो अलग है, छोटा सा है, उसको आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन एमीन जो है मैंने पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी बातें करवा दी, बड़ी मेहनत लगी है। आप जो है इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि एक चैप्टर जो है बच्चों का सारा एक साथ तैयार हो जाए और इसमें से अधिकतम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो गुड लक, गुड बाय, और कमेंट जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो और क्या बाकी चैप्टर्स को भी ऐसे पढ़ाया जाए, ठीक है। अगर कहोगे तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा, लेकिन आप जो है थोड़ा इसको मतलब दोस्तों तक शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट भी करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड लक, गुड बाय।